हाँ तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग शादी करके आ गए हैं गौरव भाई के घर पे। ठीक है, उनका सेटअप है ये। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसा क्या सिचुएशन हुआ था जिस वजह से हमें ये कदम उठाना पड़ा। ठीक है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पिछले एक साल के पहले, मतलब एक साल से हमारे साथ ऐसा किचपिच मेरे घर पर चलता रहता था इसको लेकर के। क्योंकि मैंने एक साल पहले ही घर पर, मतलब घर पर बोलते थे वो लोग कि अब शादी कर लो, सब कुछ तो हो गया, यूट्यूबर भी बन गया, अच्छा खासा चल रहा है। तो हम बोले कि मुझे जिससे, मैं जिसको पसंद करता हूँ उससे मेरा शादी करवा दो, तो मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। तो वो पूछे कि कौन है, तो मैंने बोला इसके बारे में। ठीक है, तब वो बोले कि नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है, अपने जात से शादी करना है ऐसा। ठीक है, तब फिर क्या हुआ कि जब से चर्चा कर दिया उसके बाद और प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। क्या होता है एक्चुअल, क्या होता है ये कि झारखंड में अगर कहीं भी कोई इवेंट हो, कोई प्रोग्राम हो, किसी को भी कहीं इन्विटेशन आना हो, चाहे वो रिसेप्शन पार्टी का इन्विटेशन हो, तो दोनों को साथ ही आता है। होली इवेंट वगैरह आप लोग देखे होंगे, कर्मा का इवेंट वगैरह जो कुछ होता है, तो दोनों को साथ इन्वाइट आता है कि मनोज दे एंड ज्योति श्री, कार्ड में सेम नाम लिख करके आता है। ठीक है, तो ऐसे करके एक तरह से नाम जो है हम लोग सोशल मीडिया में पहले से ही जुड़ चुका है दो साल से, क्योंकि हम लोग एक साथ वीडियोस वगैरह बनाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि लोगों का ये बहुत ज़्यादा आशा था कि हम लोग एक दूसरे को ही शादी करें, हम लोग एक साथ हो जाएं, क्योंकि सब कोई कमेंट पहले से ही करते थे कि भाभी भाभी, ठीक है, मनोज दे कब आप ज्योति से शादी करोगे। तो मुझे ऐसा लगता था कि ऑडियंस को यही पसंद है, प्लस हम लोग भी एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे, हम लोग एक दूसरे को चाहते थे कि हम लोग साथ रहें, हम लोग एक दूसरे का जीवन साथी बने, क्योंकि हम लोग इतना दिन से रिलेशनशिप में हैं, हम लोग एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं। अब घर वाले मानने को तैयार नहीं, बहुत ट्राई किया मैं बता दूं, मतलब अपने एंड से जितना हो सका उतना ट्राई किया, बहुत कुछ समझाया कि ठीक है अगर पॉसिबल नहीं है शादी देना तो हम लोग को बाहर में दे दूं, ठीक है कहीं बाहर में शादी करवा दूं, डिस्टेंस मैरिज करवा दूं। लेकिन वो बोले कि नहीं, कोई भी हाल में शादी जो है नहीं हो पाएगा उसके साथ। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, क्या होता पता है कि लव मैरिज को पता नहीं पेरेंट्स लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं। यहाँ पर कास्ट मैटर नहीं करता, लव मैरिज आप जब करना चाहोगे ना तो सोचता ये है कि लड़की जो है इसको फंसा लिया है, ये मेंटेलिटी है। ठीक है कि लड़की इसको फंसा लिया, इसका पास पैसा है, इसका फेम है, ऐसा मेरे घर वालों का भी ऐसा ही सोचता। तो मैंने बहुत कोशिश किया, नहीं माना। उसके बाद क्या होता था कि अब हम लोग कहीं भी अगर इनवाइट वगैरह आता था तो हमें जाना तो पड़ता है साथ में, अब छिप छिप के जाना पड़ता था, घर में बोल के भी नहीं जा सकते। और जब छिप के जाते थे तो कभी कभार पता चल जाता था कि आज साथ ही में गया था, वहाँ पर कोई प्रोग्राम था। अब जब घर पर आता था तो किचपिच शुरू, तुम क्यों उसके साथ जा रहा है, क्यों उसके साथ वीडियो बना रहा है, क्यों फोटो लेता है, क्यों उससे मिलता है। तो दोस्त बोल के भी एक चीज़ होता है ना, जब हम लोग एक साथ दोस्त है, अब क्या करें, बातचीत अचानक से बंद कर दे कि मेरा घर वाला मना कर रहा है, तो अब दोस्ती खत्म, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। तो घर वालों को मतलब यही हुआ कि मना नहीं पाया। तो कल क्या हुआ था कि कल एक गया था रिसेप्शन पार्टी में, मेरा एक फ्रेंड का रिसेप्शन था, तो उसमें दोनों को ही इन्वाइट किया था, प्लस हेमंत अंकित सीनू सबको इन्वाइट किया था। तो मैं दिल्ली से घर आया था जस्ट शाम में, फिर गया रिसेप्शन में, रिसेप्शन में जस्ट गया था खाने वाने, ठीक है गिफ्ट वगैरह देना था, क्योंकि एक क्लोज फ्रेंड का शादी था विवेक नाम का, तो साथ ही गए हुए थे। जैसे ही हम लोग वहाँ घर से निकले हैं, घर के में मम्मी को पता चल गया कि मैं तो इसको साथ ही लेके गया हूँ, अब मेरी मम्मी चल गई इसके घर, और इसके घर जाकर के पूरा झगड़ा उगड़ा कर ली कि तुम अपना बेटी को संभाल के रखो, इसके साथ क्यों जाने देता है, ऐसा वैसा। तो दोनों घर में आपस में झगड़ा हो गया। अब दोनों घर में आपस में झगड़ा की वजह से वो लोग अपना ईगो हट ना हो जाए, दोनों आपस में दोनों फैमिली का ईगो नहीं खत्म हो जाए, ईगो हट ना हो जाए, इस वजह से हम लोग का मतलब भाड़ में जाता हूँ, तुम लोग अपना खुशी कुछ भी हो, तुम लोग अपना मन मर्जी शादी नहीं कर सकता, हम लोग शादी देंगे। अब क्या ही होता, जब ऐसा हुआ फोन वगैरह आया पूरा, हमको भी फोन में गरियाने लगा कि तुम जल्दी आओ, इतना रात हो गया, कहाँ गया है ये वो। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा ही टॉर्चर हो रहे हैं, और मेंटेलिटी में डिस्टर्ब चल रहा था, इसलिए मैं दिल्ली भाग के चला गया था। ठीक है, मैं बता दूँ डिप्रेशन में कुछ दिनों से चल रहा था इसी वजह से। तो मैंने सोचा चलो ये बार बार का झमेला जो किचपिच होता है इसको पूरा क्लियर करते हैं, और फाइनली यही डिसीजन लिया शादी करते हैं। कल कोलकाता आकर के आराम से मंदिर में शादी किया, काफ़ी सारे यहाँ पर यूट्यूबर्स थे जो मेरे साथ अच्छा कॉन्टैक्ट है, काफ़ी सब ने हेल्प किया, उसके लिए थैंक यू। एंड हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा तो मैं माफ़ी इस बात से मांगना ही चाहूँगा, मेरा ये मैं इस गलती को एक्सेप्ट करता हूँ कि फैमिली के अगेंस्ट में जाके ही किया, एंड उसके लिए मैं अपने मम्मी पापा फैमिली जो भी है उसको मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। लेकिन मैं अपनी खुशी को भी नहीं ये कर सकता था, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर लोग, संदीप महेश्वरी ये लोग जितना है, वो लोग क्या बोलते हैं कि दो चीज़ हमेशा अपना डिसीजन होना चाहिए, पहला करियर कि आपको करना क्या है, दूसरा लाइफ पार्टनर, क्योंकि ज़िंदगी हमें साथ में बिताना है, बाद में कोई लाइफ टाइम आपका नहीं रहेगा। ठीक है, कोई भी साथ में नहीं रहता, यहीं अब जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी और मैं इसके साथ रहूँगा। चलो बताओ आप कितने खुश हैं मैडम जी मेरे साथ शादी करके। पहले तो ये रो देती है, ठीक है, ये इमोशनल बहुत है, मतलब मेरे घर से ऐसा थोड़ा बहुत किचपिच होता था तो रोना शुरू। ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा यहाँ पर मेरे ससुर जी अब बोल सकते हैं, इनके पापा को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मेरे घर से सपोर्ट नहीं था, लेकिन इसके घर से सपोर्ट था, इसके पापा बोले कि ठीक है तुम लोग को शादी करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग अगर खुश है तो हम लोग खुश हैं, बच्चे का खुशी से ही हम लोग को खुशी है, बाकी तुम लोग को जो है अच्छा लगता है, आप तुम एक दूसरे को तुम लोग जानते हो, तुम लोग मैच्योर भी हो, अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो, तो
तो तुम लोग अपना डिसीजन खुद से ले सकता है। हम लोग तो निब्बा निब्बी नहीं है ना, 26 साल उम्र हो गया, समझदारी तो है, इतना कुछ लाइफ में कर लिया, 5-6 साल हो गया। और थोड़ा सा फैमिली वालों के लिए बोलना चाहूंगा, फैमिली वाले ये वीडियो जरूर देख रहे होंगे जो मेरे मम्मी पापा घर के लोग हैं, मैंने क्या नहीं किया अपने फैमिली को खुश करने के लिए 6 साल से। मैंने फैमिली में मैं बताना चाहूंगा, कभी भी आज तक मैंने पापा से 1 रुपया कभी नहीं मांगा, कभी कोई फोर्स नहीं किया कि मुझे ये चीज चाहिए। उसके बाद मैं ट्यूशन वगैरह पॉकेट मनी खुद निकाल लेता था 10th के बाद से ही, ठीक है, बच्चों को पढ़ाता था ताकि पापा से मुझे बर्डन ना फील हो और मैं पापा से ना मांगू, पॉकेट मनी खुद निकाल लेता था। कोचिंग क्लासेस वगैरह जाता था, खुद पेट्रोल भरवाने का पैसा निकाल लेता था। तो जब पापा मम्मी के लिए मैंने इतना कुछ किया, ठीक है, इतना कुछ किया मतलब आज समझ सकते हैं एक अच्छा लाइफस्टाइल दिया, सब कुछ है उनके पास आज के डेट में, किसी चीज की कमी नहीं है, तो उनके खुशी के लिए मैंने तो सब कुछ कर दिया। लेकिन मेरे एक खुशी में वो एग्री नहीं हुए, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन ये मेरा हक बनता था ना, क्योंकि ये मेरा लाइफ का डिसीजन था, मैं रहना चाहता हूँ, मेरा साथी बनेगा जीवन साथी। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे बुरा लगा कि मेरे एक खुशी में वो लोग एग्री नहीं हुए। और आज शादी तो हो गया, बट हाँ वो खुशी नहीं फील हुआ, क्योंकि घर वाले अगर अच्छे से शादी करवाते तो वो एक अलग फीलिंग होता है, एक अलग अच्छा लगता। दुख हुआ था, रोया भी था, ठीक है, भले वो सब वीडियो वगैरह में नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनल में चल रहा था कल के दिनों से। एंड वो लोग नहीं थे, एक ही बेटा था मैं, उनका और कोई बेटा वगैरह नहीं है, पता नहीं उनको क्या ही मजा है, अगर मान ही जाते थे क्या ही दिक्कत था। कुछ दिन लोग बोलते सुन लेते आपका बेटा का तो खुशी मिल जाता ना, आराम से हम धनबाद में शादी दे सकते थे आप लोग, जिस तरीके से आज हमने किया, आप लोग साथ में खड़े रहते, जस्ट इतना ही करना था। खैर कोई नहीं, जो भी हो, माँ बाप होते हैं, सर्वप्रथम उन्हीं को जो है जाता है, एंड उनका आशीर्वाद मैं चाहूँगा कि वो मेरे पे प्यार एंड ये सपोर्ट बनाए रखे। बाकी फैमिली का तो सपोर्ट है ही, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों का है जो हम लोग वीडियो देखते हो, इसी तरह का सपोर्ट प्यार बनाए रखे। मेरा यहीं पर मैं अपने वक्तव्य को खत्म करता हूँ, ठीक है, बहुत बोल दिया मैंने। नहीं, इसको अगर कुछ बोलना है बोल, कुछ भी बोलो, ऑडियंस के लिए कुछ बोलो। तो फाइनली हम लोग का शादी हो गया है। हम बहुत शादी शादी व्लॉग बनाते थे, शायद मेरा बहुत जल्दी शादी होने वाला था, इसीलिए हमको वाइफ भी आ रहा था हम लोग, या तो सर हम तो क्या बोल सकते, घर में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम शादी का जो ड्रीम था ना वो बहुत पहले छोड़ चुके थे कि हाँ बहुत अच्छे से हम लोग का शादी होगा, हम लोग बहुत पहले से ये चीज़ छोड़ दिए थे, लेकिन फिर भी कोशिश कभी नहीं छोड़े थे, मनाते रहते थे घर में, हमको थोड़ा कम मनाना पड़ा था, ये बहुत मेरे लिए लड़ा है। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो सिर्फ इसके लिए ही बैठे हैं, ये मेरे लिए इतना ज़्यादा लड़ा है। तो आज के डेट में हमने मतलब कोई लड़का नहीं होगा जो इतना कोई लड़की के लिए खड़ा रहेगा, जो है हमसे बहुत प्यार करते हैं। और मेरे पापा मम्मी भी यही चाहते हैं कि जो भी मेरा पार्टनर है वो हमको बहुत ज़्यादा प्यार करे, बाकी मेरे मम्मी पापा ने मेरे परवरिश में हो चाहे मेरे इच्छा पूरा करने में कभी कोई कमी नहीं रखा है, और ये भी उतना ही प्यार करता है और इतना ही मेरा सारा ड्रीम भी पूरा करता है। जैसे हम लोग सोचे थे ऐसे सिचुएशन इतना गंदा क्रिएट हो गया था कि सोचे थे ऐसे ही कहीं पर शादी कर लेंगे चलेंगे, लेकिन हाँ इतना था कि हमको बहुत ज़्यादा शौक था कि हम थोड़ा सा इस देश के सबके शादी में सजते हैं, तो फिर हम लोग थोड़ा सा वेट किए, मेकअप आर्टिस्ट बुला दिया मेरे लिए, फिर हम सजे, फिर हम लोग शादी किए। हाँ, हमने सोचा कि चलो घर वाले नहीं है लेकिन अच्छे से करेंगे। हाँ, तो इसलिए देखिए शादी का जोड़ा वगैरह सब कुछ मैंने मंगवाया, दोस्तों का हेल्प लिया। हाँ, और अच्छे से ही किया है, वो तो ब्लॉग आप लोगों ने देख लिया। खुश है, मम्मी पापा भी फोन किए थे, आशीर्वाद भी दिए, मेरे घर पे भी, बस दुख यही है कि कोई साथ नहीं था फैमिली का। हाँ, वही चीज का कमी होगी। आप लोग मेरे घर पे भी मैं बता दूं सबका सब खुश है, कमेंट कीजिए कि इनके घर में जल्दी से मान जाए। मेरे घर में सब माने हुए हैं, दीदी का जो भी है, भाई बहन जो है, कजन ब्रदर वगैरह, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मम्मी और पापा को ही सबसे ज्यादा दिक्कत है, वही लोग थोड़ा रूठे हुए हैं, कोशिश करूंगा जल्दी से उनको भी मनाने के लिए। बाकी उनके खुशी के लिए तो हमेशा था, अभी भी हूँ, ठीक है, और जल्द घर भी लौटूंगा, अभी तो फिलहाल कोलकाता में। चलिए सॉरी एंड सॉरी घर वालों को, एंड जो सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, इसी तरह का प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखे। मिलते हैं किसी और ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।